फाइनली बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन यूजर्स के लिए बहुत बड़ी अर्जेंट अपडेट निकल करके आ रही है। जैसा कि आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा कि बिटकॉइन का प्राइस जबरदस्त फ्लैश क्रैश हुआ 20% का और नियर अबाउट $43,000 तक प्राइस डंप हो गया था। ऐसे में चलते इथेरियम भी बहुत ही जबरदस्त फ्लैश क्रैश मारा और नियर अबाउट $3,000 तक प्राइस डंप हो गया। ऐसे में चलते बहुत सारे ऐसे भी ऑल्ट कॉइन्स थे जो 15% 20% इवन 25% भी प्राइस डंप हो गए। ऐसी कंडीशंस को ऐसी सिचुएशंस को हमें कैसे फॉलो करना है, किस तरीके से हैंडल करना है, क्योंकि जो मेरा 5-6 साल का क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं। बहुत बार ऐसी चीजें हो चुकी हैं और फ्यूचर में भी बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिल सकती है, क्योंकि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के अंदर जबरदस्त यहां पर मैनिपुलेशन आपको देखने को मिलेगा, फ्लैश क्रैश देखने को मिलेगा और प्राइस में पंप और डंप देखने को मिलेगा। सो इस तरीके की सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली जो सिचुएशंस बनती है वो ये है कि पूरी दुनिया में जितने भी नए इन्वेस्टर्स हैं या फिर जिनके पास बिल्कुल भी पेशेंस नहीं होता है, वो लोग ऐसी सिचुएशंस को बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पाते हैं और अपने बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को डर करके, घबरा करके, पैनिक करके सेल कर देते हैं और रिजल्ट ये होता है कि उनका बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो ये है कि जिनके पास अच्छी खासी नॉलेज है, यहां पर एक्सपीरियंस है और बहुत बड़ा पेशेंस है, वो लोग क्या करते हैं ऐसी सिचुएशंस में बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को होल्ड कर लेते हैं। क्योंकि आप सभी लोगों ने नोटिस किया होगा, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे बताया था कि डर करके कुछ होने वाला नहीं है, पैनिक सेल करके कुछ होने वाला नहीं है, लॉग आउट कर दीजिए अपने अकाउंट को और एंजॉय कीजिए, क्योंकि प्राइस कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल रिकवर होना शुरू हो जाएगा। सो आज आप देख सकते हो धीरे धीरे करके बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी रिकवर हो रहे हैं और बहुत सारे ऐसे भी ऑल्ट कॉइन्स हैं जो 40% 50% का प्रॉफिट भी दिए हैं। जी हाँ, तो ऐसी सिचुएशंस में हमें क्या करना चाहिए, जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होते हैं, जो जिसको नॉलेज होती है, जिनको पेशेंस होता है, वो लोग होल्ड कर लेते हैं और हमेशा अच्छे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और रिजल्ट क्या होता है, उन सभी लोगों को बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। तीसरी जो सिचुएशन है वो ये है कि जिनके पास बहुत अच्छी खासी नॉलेज है, एक्सपीरियंस है और बहुत पुराने क्रिप्टो करेंसी के ट्रेडर्स हैं, वो लोग क्या करते हैं बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को तो होल्ड करते ही हैं, इसके साथ में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी समझ करके अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं पार्ट्स में, क्योंकि आने वाले टाइम में धीरे धीरे करके प्राइस रिकवर हो जाता है और बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट बनाते हैं। तो आप खुद सोचिए आप कौन सी कैटेगरी के ट्रेडर हैं, जरा आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये चीजें दूसरे को भी बहुत अच्छा खासा सीखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, मार्केट में जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनके नाम से बहुत सारे स्कैमर्स आ चुके हैं, उन लोगों के पास सिर्फ एक ही काम बचा हुआ है कि फ्रॉड करो, स्कैम करो, किसी के पैसे चोरी कर लो। तो इसलिए फ्रॉड स्कैमर से बच करके रहिएगा। अगर मेरे नाम से या क्रिप्टो गुरु फैमिली के नाम से कोई भी फ्रॉड स्कैम करने की कोशिश करता है, कोई भी कहीं भी पेमेंट मांगता है, तो आपको बिल्कुल भी बिलीव करने की जरूरत नहीं है।